हे गाइस, मेरा नाम अब्दुल राशिद और आप देख रहे थे इंडियन बजट गेमर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसर के नए मॉनिटर के बारे में। लास्ट टाइम मैंने जब एसर के मॉनिटर के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाया था तो आप में से कई सारे लोग का जो रेस्पॉन्स था ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, वीडियो पे व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आए थे। मैंने सोचा एक काम करते हैं, दोबारा से एक एसर का मॉनिटर उठाते हैं और इस बार जो प्राइस पॉइंट हम लोगों ने चूज़ किया था वो लगभग 5,700 रुपये के आसपास था, जो कि बहुत ही इनसेन था। एसर ने रिसेंटली यहाँ पर अपना एक नया गेमिंग मॉनिटर लॉन्च किया था बजट सेगमेंट में रहते हुए और जो उसकी प्राइसिंग थी वो थी 5,700 रुपये के आसपास। और बेस्ट चीज़ ये है कि अगर आप उस पर थोड़ा सा आजकल कार्ड का डिस्काउंट लगाते हो तो वही मॉनिटर आपको 5,100 रुपए का यानी कि 5,100 रुपीस का मिल जाता है। और भाई इस प्राइस पॉइंट पे जो ये फीचर्स ऑफर करता है ना वो इनसेन थे। यानी कि आपको जो स्क्रीन मिलती है वो बड़ी मिलती है, FHD का रेजोल्यूशन, 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और गेमिंग फीचर्स भी मिल जाते हैं। भाई मैंने इसको फटाफट यहां पर मंगवाया ताकि हम लोग इसे टेस्ट कर सकें और अपना रिव्यू आप लोग के साथ थोड़ा बहुत शेयर कर सकें। अब आई नो इस प्राइस पॉइंट पे ये मॉनिटर बहुत ही अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करता है, लेकिन एक चीज़ और है जो कि आपको इससे भी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करती है, वो है हमारे स्पॉन्सर्स की तरफ से विंडोज 11 की एक्टिवेशन कीस, जो कि केवल 499 में मिल जाती है। और अगर आप हमारा कूपन कोड यूज़ करते हो जो कि है TIBG350 तो एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन चेक जरूर करना। अब इस वीडियो में जिस मॉनिटर को हम लोग रिव्यू करने वाले हैं ना वो है एसर का EK220Q। इस मॉनिटर को बेसिकली मैं उन्हीं लोगों को रिकमेंड करना चाहता हूँ जो लोग रिसेंटली पीसी बिल्ड करने वाले हैं और मॉनिटर के लिए बहुत ज़्यादा बजट नहीं रखते हैं, 5,000 रुपए से ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकते और गेमिंग भी करेंगे कभी कभी, भले कैजुअली अगर आप करते हो ना तो भी आपके लिए यह मॉनिटर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अनबॉक्सिंग वाइज अगर मैं आपको बताऊँ तो भाई बॉक्स में आपको आपका मॉनिटर मिल जाता है, एक स्टैंड मिल जाता है जिसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और यहाँ पर एक HDMI केबल भी देखने को मिल जाती है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर पावर ब्रिक भी देखने को मिलता है, अगर इनबिल्ट पावर सप्लाई वाला मॉनिटर होता तो थोड़ा सा और भी बेटर हो सकता था। बहरहाल मॉनिटर को इंस्टॉल करना बहुत ही इजी है, स्टैंड में केवल दो जगह से आप टाइट करते हो और यहाँ पर आप मॉनिटर को माउंट कर दोगे एंड यू आर गुड टू गो, कोई भी स्क्रूज लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इंस्टॉल होने के बाद जो फाइनल लुक देखने को मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है एसर के 24 इंच वाले मॉनिटर से, जो कि 165 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। हालांकि ये मॉनिटर केवल साइज में थोड़ा सा छोटा है। बाकी बैक साइड के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो बैक साइड में आपको वैसा माउंट की कंपैटिबिलिटी देखने को मिल जाती है, तो अगर आप डेडिकेटेड कोई स्टैंड यूज़ करना चाहते हो या वॉल माउंट करना चाहते हो आप कर सकते हो। बाकी राइट साइड पे यहाँ पर आपको एक छोटी सी जॉयस्टिक देखने को मिलती है जिसकी हेल्प से आप OSD मेन्यू में नेविगेट कर सकते हो। ये फीचर मुझे एसर का काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, ये काफ़ी ज़्यादा हैंडी भी होता है। मैंने देखा बहुत सारे ना ब्रांड्स आपको बटन्स दे देते हैं जिनसे नेविगेट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। बाकी बात आती है अगर कनेक्टिविटी और पोर्ट्स की, तो यहाँ पर आपको केवल एक HDMI और एक VGA पोर्ट देखने को मिल जाता है और एक पावर केबल भी देखने को मिलती है। नाउ यहाँ पर अब बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत मॉनिटर के बारे में। स्टैंड जो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ना वो काफ़ी स्टर्डी है, यानी कि वॉबल इफेक्ट यहाँ पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता और यहाँ पर आप केवल इस मॉनिटर में टिल्ट कर सकते हो, हालांकि हाइट एडजस्टमेंट का या रोटेट करने का फीचर देखने को नहीं मिलता। नाउ यहाँ पर अब थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं इस मॉनिटर के पैनल के बारे में, जो कि इसका हाईलाइटिंग फीचर भी है। यहाँ पर जो आपको पैनल देखने को मिलता है वो है 21.5 इंच का एक VA पैनल, जो कि आपको फुल HD का रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर देता है। और जो यहाँ पर आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है ना भाई, वो 100 हर्ट्ज़ का है। नॉर्मली अगर आप 60 हर्ट्ज़ से 75 हर्ट्ज़ पे जाते हो ना तो आप स्मूथनेस ना थोड़ी बहुत नोटिस कर सकते हो, लेकिन अगर आप डायरेक्ट 100 हर्ट्ज़ पे जाते हो तो डेफिनेटली ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा नोटिसेबल रहती है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 144 हर्ट्ज़ जितना स्मूथ रहता है, लेकिन 60 हर्ट्ज़ के कंपैरिजन में 100 हर्ट्ज़ बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होता है। तो अब यहाँ पर अगर आप इस मॉनिटर पर थोड़ा बहुत गेम्स वगैरह भी खेलते हो ना तो आप 100 हर्ट्ज़ को फील करने वाले हो। अब जब फर्स्ट टाइम मैंने इस मॉनिटर को टर्न ऑन किया तो मैंने एक चीज़ ये नोटिस करी कि आउट ऑफ द बॉक्स जो कलर्स देखने को मिलते थे ना वो उतने अच्छे नहीं रहते हैं। पता नहीं क्यों, ये थोड़ा सा कूलर टोन पे सेट था और जो यहाँ पर आपको वाइट्स देखने को मिलते हैं वो हल्के से पिंक शेड के देखने को मिल रहे थे। तो कोई बात नहीं, मॉनिटर के अंदर यहाँ पर आपको थोड़े बहुत पिक्चर प्रोफाइल देखने को मिलती है। हम लोग ने जाकर sRGB प्रोफाइल सेलेक्ट कर ली, यानी कि यूज़र प्रोफाइल, जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रल कलर्स प्रोवाइड कर दी थी, जो कि मुझे पर्सनली ज़्यादा अच्छी लगती है। थोड़ा बहुत कलर कैलिब्रेशन करने के बाद एक चीज़ तो क्लियर हो गई थी कि भाई यहाँ पर जो पैनल यूज़ किया गया उसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। 21.5 इंच का पैनल है, मैं मानता हूँ कोई छोटा पैनल नहीं है, मीडिया कंजम्पशन भी अगर आप करना चाहते हो ना आप आराम से इंजॉय करते हो। बाकी अगर बात करें पैनल की क्वालिटी के बारे में, थोड़े बहुत यहाँ पर जब हम लोगों ने वीडियोज़ देखे ना तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा था। इस पैनल साइज़ में जब आपको फुल HD रेजोल्यूशन देखने को मिलता है ना, उससे बेनिफिट ये होता है कि जो आपकी पिक्सल डेंसिटी होती है ना वो बहुत ही बढ़िया निकल कर आती है।
आती है, आपको कहीं पर भी इमेज की क्वालिटी खराब होते हुए नहीं दिखती है, यानी कि पिक्सेलेशन वगैरह कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता। बाकी इस मॉनिटर में जो आपको कलर्स देखने को मिलते हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। VA पैनल वैसे भी मीडिया कंजम्पशन के लिए जाना जाता है, हालांकि ओवर सैचुरेशन वाली प्रॉब्लम यहाँ पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती। हालांकि अगर आप बहुत ही एक्सट्रीम एंगल्स पे चले जाते हो, लाइक बिल्कुल 178 डिग्री पे बिल्कुल साइड से देखोगे ना, तो यहाँ पर आपको कलर शिफ्टिंग वाली प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जो कि VA पैनल में बहुत ही कॉमन होती है। तो मीडिया कंजम्पशन के मामले में नॉर्मल यूट्यूब वीडियोस देखने में मुझे पर्सनली कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। हालांकि मेन जो बेनिफिट होता है ना 21.5 इंच के रेजोल्यूशन पे FHD रेजोल्यूशन का, वो होता है जब आप थोड़े बहुत टेक्स्ट वाला काम करते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको पिक्सल डेंसिटी बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है, तो टेक्स्ट जो होता है ना छोटा वाला वो बिल्कुल भी पिक्सेलेटेड देखने को नहीं मिलता, बहुत ही शार्प टेक्स्ट देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पर अगर आप इंटरनेट ब्राउजर चलाते हो, थोड़े बहुत टेक्स्ट वाला काम करते हो, फाइल क्रिएट करना या फाइल एडिट करना, ऑफिस वाला काम या प्रोग्रामिंग करते हो ना भाई, यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो। यहाँ पर जो आपको टेक्स्ट में शार्पनेस देखने को मिलती है ना, वो बहुत ही अच्छी होती है। बाकी VA पैनल है, आपको ऐसा कुछ कलर्स में प्रॉब्लम भी नहीं होता। हालांकि जो लोग थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल पे चले जाते हैं, लाइक वीडियो एडिटिंग या कलर करेक्शन वाला काम, उनको तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, देखो पर्सनल लेवल का यहाँ पर आप कर लोगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा प्रोफेशनल होकर कर ही रहे हो ना, तो आपको एक अच्छे IPS मॉनिटर पे स्पेंड करना चाहिए, अगर आपकी प्रायोरिटी कलर एक्यूरेसी है तो। बाकी आप में से जो लोग ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट लेवल जानने में इंटरेस्टेड है, मैं आपको बता दूं ये मॉनिटर ना आपको लगभग 300 nits की ब्राइटनेस प्रोवाइड कर देता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होती है। अगर आप विंडो के बगल में भी बैठ के अपना मॉनिटर यूज़ करना चाहते हो, आप यूज़ कर सकते हो, ब्राइटनेस से रिलेटेड कोई भी इशू फेस नहीं करोगे। और बात आती है अगर कॉन्ट्रास्ट की, तो आउट ऑफ द बॉक्स जो कॉन्ट्रास्ट मिलता है ना वो ठीक ठाक होता है, यानी कि ब्लैक ना वो हल्के से ग्रेइश रहते हैं, लेकिन मॉनिटर के OSD मेन्यू में एक सेटिंग होती है ब्लैक लाइट कॉम्पेंसेशन, तो उसको अगर आप थोड़ा सा कम कर दोगे तो आपको डीप ब्लैक्स भी देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं, नॉर्मल यूज में अगर आप इस मॉनिटर को लेते हो, आपका एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन एसर ने इसे एज अ गेमिंग मॉनिटर एडवर्टाइज किया, तो भाई बिना गेमिंग टेस्ट करे हम लोग इसे कैसे जाने दे सकते हैं। मैंने सोचा एक काम करते हैं, इसके ऊपर थोड़े बहुत गेम्स खेलते हैं। हम लोग ने इसको FHD रेजोल्यूशन पे विद 100 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट पे सेट किया एंड थोड़े बहुत गेम्स खेले। देखो GTA 5 वगैरह खेलने में ना हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, आराम से खेल सकते हो, 100 हर्ट्स बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होता है, लेकिन एक गेमिंग मॉनिटर की जो मेन टेस्टिंग होती है ना वो ई स्पोर्ट गेम से होती है, ये देखना पड़ता है कि वो पैनल कितना ज़्यादा फास्ट है, कितनी गूस्टिंग है, कितना क्या है। इस वजह से हम लोग ने यहाँ पर ना थोड़ा बहुत वैलोरेंट भी खेला है और CS2 भी खेला है। पहली चीज़ मैंने नोटिस ये करी थी कि ना आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पर जो आपको पैनल मिल रहा था ना उसमें थोड़ी बहुत गूस्टिंग थी, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि एसर ने अपने OSG मेन्यू के अंदर आपको ओवरड्राइव का ऑप्शन प्रोवाइड कर रखा है। ओवरड्राइव में आपको 3 सेटिंग्स मिलती हैं, लाइक ऑफ, नॉर्मल, एक्सट्रीम। तो यहाँ पर मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इसे नॉर्मल पे रख दो, तो यहाँ पर जो आपकी गूस्टिंग है ना फर्जी वाली वो खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर आपको पिक्चर क्वालिटी ऐसी मिलती है ना कि आप काम चला सकते हो, आपको बॉदर नहीं करेगी गूस्टिंग, लेकिन जो लोग अभी भी ई स्पोर्ट गेम्स खेलना चाहते हैं उनको बिल्कुल जीरो गूस्टिंग चाहिए, तो यहाँ पर एसर के मॉनिटर में आपको VRB का भी ऑप्शन मिल जाता है। VRB में भी 3 ऑप्शन मिलते हैं, ऑफ, नॉर्मल और अल्ट्रा। यहाँ पर अगर आप नॉर्मल पे सेट कर देते हो ना, तो यहाँ पर होता ही है कि गूस्टिंग बिल्कुल 99% एलिमिनेट हो जाती है, बहुत हल्की सी गूस्टिंग रहती है और ई स्पोर्ट गेमर्स के लिए मैं मानता हूँ सफिशियंट है। बहुत प्रोफेशनल होकर भी खेलोगे ना तो भी आपको गूस्टिंग बॉदर नहीं करेगी। हालांकि VRB का एक डिसएडवांटेज ये होता है कि मॉनिटर की ब्राइटनेस ना वो थोड़ी सी कम हो जाती है जब आप इस ऑप्शन को यूज़ करते हो। तो जो लोग ई स्पोर्ट गेम खेलने का प्लान कर रहे थे उनके लिए VRB ऑप्शन है, उससे वो अपना काम चला सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं आपको गेमिंग के बारे में बताऊं तो भाई जो प्राइस आप पे कर रहे हो उस लिहाज से बहुत ज़्यादा फीचर्स ये प्रोवाइड कर देता है। हालांकि यहाँ पर अगर एसर चाहता तो वर्चुअल एम या अल्ट्रा लो लेटेंसी मोड भी डाल सकता था, अगर वो डाल देता ना भाई तो भाई मज़े आ जाते इस प्राइस पॉइंट पे, तो भाई अनइमेजिनेबल चीज़ें हैं ये। बाकी अगर मैं आपको बैकलाइट ब्लीडिंग के बारे में बताऊं तो भाई ये एक VA पैनल है और मेरे यूनिट में मुझे बिल्कुल भी बैकलाइट ब्लीडिंग देखने को नहीं मिली। आप देख सकते हो साइड बाय साइड कंपैरिजन के लिए मुझे यहाँ पर कोई भी इशू फेस नहीं हुआ। ओवरऑल अगर मैं आपको कंक्लूजन के बारे में बताऊं तो भाई अंडर 6000 रुपीज़ ये वन ऑफ दी बेस्ट मॉनिटर हो सकता है, स्पेशली अगर आप कार्ड का डिस्काउंट लगा सकते हो और आपको ये मॉनिटर लगभग 5100 रुपीज़ के आसपास पड़ रहा है ना, तो भाई ये किलर डील होने वाली है।
बहुत ही अच्छा मॉनिटर है, इतना मैं कह सकता हूँ। डिज़ाइन वाइज भी अच्छा है, फीचर वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा है। और आप में से जो लोग गेमिंग करना चाहते हैं या मीडिया कंजम्पशन भी करना चाहते हैं या इवन नॉर्मल यूसेज में भी यूज़ करना चाहते हैं ना भाई, ये बहुत अच्छा मॉनिटर है। अगर आप इसे परचेस करते हो इतना मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। इस मॉनिटर का बेस्ट बाय लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इनकेस अगर आप परचेस करना चाहते हो जाकर परचेस भी कर सकते हो। वेल तो दोस्तों इस वीडियो में आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को बस जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं डेली ऑसम कंटेंट। तो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।